एक मिनट साइली, तू मेरी हड्डी बिड्डी तो नहीं तोड़ेगी ना? मुझे तुम्हारी हड्डी तोड़ने का कोई शौक नहीं है। और थोड़ा जोर से कर मस्ते वाट लावली रे, मेरी पीठ गई, मेरी पीठ गई आज तक। ये सच्ची असर टैक्सी में बैठता था और तू इतनी भारी बोल तो मैं ऐसा लग रहा कि टैक्सी मेरे पीठ पे खड़ी है। आराम से मस्करी नहीं कर रहे मैं। आई आई बरबर बोल रही। तू 50-60 किलो का कीड़ा काटा है मेरे को सुबह मंदिर में। देखो उठा के जब मैं सीढ़िया चढ़ा ना, मेरी पीठ तभीज के तभी चकड़ी है। मस्त पाई की बदला लिया तूने मेरे से, पीठ की वाट लग गई है मालूम है, हिल नहीं पा रहे मैं। इधर दर्द के मारे तो मैं नाच रहा है ना, तू बैठ आराम से, देखो क्या फर्क पड़ रही। बड़ी पहलवानी पूछ रही थी, बड़े अकड़ गए मेरा मालूम है। देखो उठाते ही ना मेरी पीठ की वाट लग गई है, बहुत दुख रहे। तू बहुत भारी भरक मेरे सही है, देखो बता रहे बहुत भारी भरक में पीठ अकड़ चुकी है मालूम है। बस मैं तो कोशिश ही करता हूँ कि जितने नटखट सीन्स करने मिले, जितने कॉमिक सीन्स करने मिले, मैं फुल पैसा वसूल परफॉर्मेंस देके मज़े ले लूँ, क्योंकि आप मज़े लोगे तो ऑडियंस मज़े लेती है और वही हमारा काम है। तो जब भी ऐसे सीन्स आते हैं मैं कोशिश करता हूँ अपना 100% देने का, एंड बहुत मज़ा आया ये सीन करने में। एंड उम्मीद करता हूँ कि जब लोग ये सीन देखे तो उन्हें इक्वली मज़ा आए। और कोई है नहीं ना मेरी जिंदगी में परेशान करने के लिए, तो साइली ही है परेशान करने के लिए, तो साइली को परेशान किया जा रहा है। और सचिन के दिमाग में ये बात आती है कि यार इसने बहुत सेवा कराई मेरे से, मंदिर की सीढ़ियां मैं चढ़ाऊँ इसको गोद वोद में उठा के, अब इससे बदला लेता हूँ। तो वो फुल बॉडी पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक्टिंग करता है, उसे बाम वाम लगा के मसाज करवा लेता है और एक्टिंग कर रहा है बेसिकली। और अगले सीन में साइली को पता भी चलता है, तो फन सीक्वेंस है, लाइट सीक्वेंस है, जब आप टेलीकास्ट में देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। प्रिपेयर तो ऑन द स्पॉट ही होता है, प्रिपेयर तो मतलब जो जब करवाएंगे करने के लिए बंदा ही आ रहे हैं। तो आई थिंक प्लेइंग सचिन इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल थिंग्स टू मी, मेरे को मजा आता है, कुछ भी सीन करा लो मजा आता है। तो वो भी जब सीन होगा आई एम श्योर वो बहुत ही क्यूट सीन निकल के आएगा, एंड आई कांट वेट टू शूट इट। एंड आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग बताइए कैसा लगता है आपको। काफी अच्छा आ रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है जी। सचिन कह लो आप अपने रियल लाइफ से जो लोग फैंस जो प्यार दे रहे हो तो आप देखते हैं क्या कमेंट के थ्रू कैसा लगता है। नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार। इनफैक्ट अभी जब स्टार परिवार में अवार्ड भी मिला था तो मजेदार सदस्य वाली जो कैटेगरी के लिए मिला था ना वो डिफाइन करती है आपकी वर्सेटैलिटी। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे उस कैटेगरी के लिए अवार्ड मिला है, क्योंकि वो एक थोड़ी स्टैंड आउट करती है कैटेगरी, एंड दैट डिस्क्राइब्स मी एज एन एक्टर एंड हाउ मच द ऑडियंसेस हैव लव्ड मी एज अ कैरेक्टर। सो अच्छा लगता है, एंड आई थिंक यही प्यार के लिए, यही अप्रिसिएशन और रिकग्निशन के लिए आप मेहनत करते हो, काम करते हो। सो बस यार जनता को प्यार है, जनता को पप्पी है। थैंक यू।